हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए TVS iQube S लेकर आया हूं, जो कि ग्रे कलर फॉर्मेशन में है। फिलहाल अगर मेरे सिटी के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी कीमत है 1,40,000 रुपीस ऑन रोड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम थ्रू आउट पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये चार कलर्स में अवेलेबल होगा अगर आप S लेना चाहते हैं तो। अगर आप सिंपल iQube लेना चाहते हैं तो तीन कलर्स में अवेलेबल हो जाएगा। और इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक दोनों आपको मिल जाते हैं। ब्रेक्स जो है वो फ्रंट में दिए हुए हैं 220 mm का, और वहीं पर अगर आप पीछे को टैली करें तो पीछे आपको ड्रम में मिलता है विच इज़ 130 mm। चार्जिंग टाइम का बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है जो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 0 से लेकर 80% 4 hours 30 minutes में अभी ये हो जाता है, जिसमें 650 watt के चार्जर्स अभी फिलहाल के स्थिति में आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर अगर आने वाले समय के बारे में बात करूं तो एक नया अपडेशन भी आने वाला है, जिसमें 0 से लेकर 80% आपको 2 hours 50 minutes में ये हो जाएंगे। पर उसमें जो चार्जर लगेगा वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा और हैवी होगा, क्योंकि जो अभी आने वाला है वो है 950 watt का। फिर ऑफकोर्स इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ दिया है, इसमें समझने के लिए अभी जैसे मैं इसमें सेंटर में बैठता हूँ तो सेंटर में बैठने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे प्लीज़ रिट्रैक्ट द साइड स्टैंड बोला है। तो जैसे आप हटाएंगे तभी आगे का इन्फॉर्मेशन गाड़ी चालू करने के बता दें, अगर आप वो नहीं हटाते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलती। और इसका पीक पावर 4.4 kW का है। पीक टॉर्क अगर बारे में बात करें तो इसमें दिए हुए हैं 140 Nm का। बैटरी सबसे महंगा पार्ट है, उसे भी टैली कर लेते हैं। तो इसमें बैटरी है 3.04 kW लिथियम आयन बैटरी। अब जैसे मैं लमसम देखूं तो इस व्हीकल का टोटल डिस्टेंस टू MT जो DTE बोलते हैं वो कितना है, तो अगर आप इकोनॉमिकल जो कि इको मोड रहता है उसे पुट करते हैं तो 105 का DTE दिया हुआ है, विच इज़ डिस्टेंस टू MT। अभी 5 kilometers एक्स्ट्रा क्यों दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे इसमें मैं शुरू करके देखूंगा, तो फिलहाल जैसे मैं इसमें चालू करूं व्हीकल को तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ देखिएगा 94 kilometers दिखा रहा है, पर इकोनॉमिकल जो कि इको मोड है इसमें डिस्टेंस टू MP 105 का है, जो कि ऑफिशियल अगर आप चेक करेंगे तो 100 kilometers का दिखा रहा होगा। ये डेफिनेटली रीजन के कारण ही है। तो अगर आप गाड़ी चला के जैसे छोड़ते हैं तो वो पावर थोड़ा सा और अडाप्ट कर लेता है, जिसके कारण 5 kilometers का रेंज ये टच करके दिखा रहा है। वहीं पर जैसे मैं पावर मोड में शिफ्ट करूं तो यहाँ पर 75 kilometers का रेंज दिखा देता है। पर इस पावर मोड में डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत ही गजब पावर फील होता है, क्योंकि मैंने लिटरली अभी चला कर दिखाया और आने वाले समय में भी कुछ एक आधो वीडियो मैं बना दूंगा। फिर इसके लुक को टैली करते हैं तो सबसे पहले आपको LED लाइट फॉर्मेशन यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर सेंटर में ये जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश है, और यहाँ पर TVS जो लिखा हुआ है वो क्रोम टच में लिखा हुआ है। फिर जैसे नीचे देखेंगे तो हेडलैम्प्स का सेटअप कुछ इस प्रकार से है, जिसमें मैं इसका जो LED फॉर्मेशन का जो इंडिकेटर है वो चला के बता देता हूँ। तो ये 3 स्टेप में डिवाइड है, जिसके कारण इसका जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल दिन में इतना आ रहा है तो डेफिनेटली रात में जो तीनों स्टेप का रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। स्पेशली मुझे ये ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा, पर और भी कलर्स जैसे आएंगे तो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मे बी शायद वो भी बेटर हो सकता है। सामने का लुक फॉर्मेशन आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, और ये है व्हील सेटअप। व्हील सेटअप के साथ ही साथ मैं टायर सेक्शन को भी टैली कर देता हूँ, तो 90x90 12 inch के सामने और पीछे दोनों आपको मिलेंगे। और ये है iQube का S वेरिएंट। तो जो iQube लिखा हुआ है वो इसके साथ क्रोम टच में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक है वो ब्लू कलर में, और ये जो है ये क्रोम टच में ना लिखता हुआ सिंपल सा आपको स्टिकर दिया हुआ है जो कि S में लिखा हुआ है। फिर बैकलॉग्स को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ये बैक लैम्प्स है और ये इंडिकेटर का सेटअप विच इज़ रियली गुड, और यहाँ पर हल्का सा स्टिकर आपको क्यू पार्क असिस्ट का मिलता है। पीछे से लुक ऐसा है एंड इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि
जो लुक फॉर्मेशन जितने भी इलेक्ट्रिक के लिए होना चाहिए वो दिखता है, जिसमें ये बहुत अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा, क्योंकि नीचे टीवीएस में ये आपको क्रोम टच सिल्वरिश मिलता है, बट इलेक्ट्रिक है ये लाइटिंग ऑप्शन के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर जैसे मैं लमसम इसका टॉप स्पीड वगैरह टैली करूं तो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा नोटिस करिएगा, ऑफकोर्स ऑफिशियली 157 दिया है, बट यहाँ से सामने से अगर आप पीछे तक देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा जहाँ पर टीवीएस इलेक्ट्रिक लिखा है उसका सेक्शन हल्का सा मुझे डाउन लगा। आप एक बार पर्सनली देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बूट स्पेस ऑफकोर्स इस व्हीकल में 17 लीटर्स का मिलता है, जो कि एन मौके पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, जिसको हल्का सा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना कम्फर्टेबल ये रहने वाला है। तो बूट स्पेस जैसे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बॉक्स रख दिए हैं, और बॉक्स रखने के साथ आपको कुछ इतना स्पेस मिलता है। तो वहीं पर अगर मैं इस बॉक्स को हटाऊं तो कुछ इस प्रकार के काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा, विच इज़ रियली गुड। सीट के साथ अगर टैली करूं तो यहाँ पर हल्के से रेड स्टिचेस आपको मिलते हैं, जो कि थोड़ा क्लासीपन बनाता है, और सीट काफ़ी बेहतर पैमाने में इस व्हीकल में दिया हुआ है। तो ये था iQube का जो S वेरिएंट है उसका डिटेल, प्राइस 140,000 के साथ। आपको ये कितना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे बताइए। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि TVS एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो ये शायद एक सक्सेसफुल व्हीकल साबित हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल जो अभी मार्केट पे हैं, जो नाम बनाई है और ऐसे ही गजब फीचर्स दिए हैं, विच इज़ ओला। और दूसरा भी अगर आपके मन में कोई अच्छा इसका कॉम्पिटिटर दिखता है दिमाग में, तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। See you in the next video.